बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ अबाउट सब्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन क्या होती है, एडिशन किसे कहते हैं। हम लोगों ने सीखा कि एडिशन कहते हैं किसी भी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम काउंट करते हैं इकट्ठा करके तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसको हम कहते हैं एडिशन। और एडिशन का हमने एक स्पेसिफिक साइन भी पढ़ा था लाइक दिस। ये हमारे पास क्या था, ये प्लस का साइन था जिसका मतलब होता है दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शन, आपकी काउंट डाउन की बुक का पेज नंबर 7। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यूज द नंबर 9 टू हेल्प यू सब्ट्रैक्ट। कि आप लोगों ने नंबर 9 को यूज़ करते हुए या इसकी हेल्प से आपने किस तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे हमने लास्ट टाइम इसी नंबर लाइन को यूज़ करके हम लोगों ने एडिशन की थी, तो आज हम इसी नंबर लाइन को यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है या माइनस या किसी भी चीज़ को कम कैसे। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेस करना, किसी भी चीज़ को कम करना। लाइक 7 - 5, जिस तरह से ऐड का एक स्पेसिफिक साइन होता है इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी एक साइन होता है। लाइक दिस सिंपल लाइन जो होगी ये आपकी क्या है, माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस। यहाँ पे देखें 7 - 5 इज इक्वल टू व्हाट। एग्जांपल छोटी सी आपको मैं देती हूँ। सपोज करें आपके पास 10 रुपीज़ हैं। अब आपने उन 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ जो हैं वो आपने खर्च कर लिए हैं, उसकी आपने कोई ना कोई चीज़ खा ली है। अब आपके पास कितने बकाया बच जाते हैं पैसे, या कितने आपके पास जो हैं पैसे बच गए हैं। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, लाइक 10 है आपके पास, इसमें से आपने 1, 2, 3, 4, 5 आप खर्च कर चुके हैं, आपने ये शॉपकीपर को दे दी। तो अब आपके पास कितने रह गए हैं, जस्ट 1, 2, 3, 4 and 5 रुपीज़ आपके पास बकाया बच गए हैं। तो लेट्स इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे कि 7 - 5 इज इक्वल टू व्हाट। कि 7 में से 5 हम लेस करेंगे तो बकाया हमारे पास कितने बच जाते हैं। तो ये आपके पास है नंबर लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला नंबर क्या है आपके पास, 7। तो इस नंबर लाइन पे देखें 7 की तरह ये आपके पास है 7। अब आपने इसमें से कितने लेस करने हैं, 5 लेस करने हैं। तो इधर से आप 5 जो हैं वो कम कर देंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 5 ये आपने इसमें से कट कर दिए, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी, ख़त्म होगी। तो अब आपके पास बकाया पीछे कितने रह गए हैं, ये नंबर आपके पास क्या है, 2। तो 2 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड देखें आप 7 लाइंस लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 और आपने कितनी लेस करनी है, 5 लेस करनी है। तो हम इसमें से 5 लाइंस को कट कर देंगे, 1, 2, 3, 4 and 5 ये आपने कट कर दिया। तो बकाया आपके पास कितने रह गए, 1 and 2 यानी आपके पास कितने नंबर बकाया रह गए हैं, आपके पास 2 नंबर्स बकाया रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 - 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये आपके पास नंबर है 8, इसमें से आपने कितना लेस करना है, 1 लेस कर दिया। तो ये 8 नंबर आपने इसमें से काट दिया है, यानी एक नंबर आपने कम करना है तो आपने एक नंबर को इसमें से कट कर दिया। तो पीछे आपके पास ये कितने नंबर रह गए हैं, 7 रह गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। इसी तरह से अगर आप लाइंस लगा के करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 और 8। 8 में से आपने कितनी लेस करनी है, 1 लेस करने। तो आप इसमें से 1 लाइन को कट कर देंगे, बाकी आपके पास कितने रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 और 7 आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 8 - 4
इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, कि 8 में से आपने 4 जो है वो लेस करने हैं। तो सिंपल आप लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसमें से आप कितने लेस करेंगे, आप इसमें से 4 लेस करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हमने 4 इसमें से कट कर दिए हैं। अब बाकी जो हमारे पास लाइंस बची हैं वो कितनी है, 1 2 3 एंड 4, यानी बकाए हमारे पास कितने रह गए हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 माइनस 3, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 एंड 4, और इसमें से हम क्या करेंगे, 3 जो है हम लेस कर देंगे, 1 2 एंड 3, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आपका क्या है, आंसर है। तो बच्चों जिस तरह हम लोगों ने ये सम्स किए हैं, इसी तरीके से सेम एज इट इज़ ही हम इस फॉर्म के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म। यानी वर्टिकल फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन जो है, कोई भी सम जो है वो आ सकता है, और इसको देख के आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी एज इट इज़ ही आप सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 1, यानी 4 में से 1 आपने लेस कर देना है, 1 2 3 एंड 4, इसमें से हम कितने लेस करेंगे, 1 लेस कर देंगे, तो बकाया आपके पास रह गए 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे, ये नहीं कि 3 हम इधर लिखेंगे या 3 हम इधर लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे हम इसका आंसर जो है वो राइट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, 10 माइनस 3, अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको नंबर लाइन पे बता देती हूँ किस तरह से होगा। ये आपके पास है 10, ठीक है, इसमें से आपने कितने लेस करने हैं, 3, तो 1 2 3 ये आपने लेस कर दिए, तो बकाया हमारे पास कितने रह गए हैं, 7, तो 7 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से 7 माइनस 6 है, इसको हम किस तरह से करेंगे, ये आपके पास है 7, 7 में से हमने कितने लेस करने हैं, 6 लेस करने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने इसको लेस कर दिया, कट कर दिया, पीछे आपके पास कितनी वैल्यू रहेगी है, जस्ट 1। आगे देखें, 9 में से आपने क्या करना है, -4 करना है, इसको भी आप सिंपल लाइंस लगा के या आप जस्ट फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। एक वे मैं आपको बताती हूँ, 10 तक अगर आपके पास नंबर्स हैं तो उसको तो आप इजीली अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास है 9 वैल्यू, इसमें से आपने 4 कट कर देनी है, 1 2 3 एंड 4, ये हम कट कर देंगे, तो बाकी हमारे पास कितनी फिंगर्स रह गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5, तो ये आपके पास है आंसर। छोटा सा आपसे क्वेश्चन करूँगी सब्ट्रैक्शन से ही रिलेट करता हुआ, कि बेटा आपने मुझे बताना है कि सपोज करें कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं और उसमें से आपके पास आपने 8 रुपीज़ की कोई भी कैंडी खरीद ली है या चॉकलेट खरीद ली है, तो आपके पास बकाया कितने पैसे बच गए हैं, यानी 10 में से आपने 8 रुपीज़ जो हैं उसको आपने खर्च कर लिया है, आपने उसकी कोई सी भी चॉकलेट खरीद ली है, बकाया आपके पास कितने पैसे बचेंगे, ये आपने हमें इसका आंसर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, और इसी पेज को आप अपनी बुक के ऊपर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।